आज हम लोग बनाएंगे बॉयज अंडरवियर। तो सबसे पहले मेजरमेंट देखते हैं हम लोग। आज वेस्ट कमर जो होता है 12 इंच है, हिप 15, साइड सीम 6.5, फ्रंट राइज 7, बैक राइज 8, गेस्ट लेंथ 4 और गेस्ट विथ ब्लॉक 4 और गेस्ट विथ फ्रंट 3.5 इंच। यह है मेजरमेंट है अपना। अभी हम लोग चलते पैटर्न डिजाइनर पे। ये ड्राइंग मोड लिया, देखिए ये ब्लॉक लिया, ये हमारा वेस्ट अभी कितना है, वेस्ट 12 है तो 6 होगा और ही 15 है तो 7.5 होगा और लेंथ कितना है इसका है साइड सीम 6.5 और ये 15 है और बैक राइज 8 है, 7.5 बाय 8 लेना पड़ेगा। आठ लेंथ और 7.5 हिप, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक हो गया। अभी इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम करते हैं। अभी वेस्ट का जो मेजरमेंट हमारा है वो वेस्ट का मेजरमेंट हम लोग यहाँ से डालेंगे। जैसे 12 था तो 6 डालेंगे। इन सीम जो साइड सीम जो ये लिखा हुआ है, ये साइड सीम 6.5 तो ये 6.5 यहाँ से डालेंगे। ये वाला पॉइंट सीम 6.5 डालेंगे, 6.5 साइड सीम जो पॉइंट वगैरह सब में होता है साइड सीम हो 6.5, ठीक है। अभी देखें गेस्ट विथ कितना है, ब्लॉक 4 यानी फुल में 4 है, हाफ होएगा 2 होगा। यहाँ से जाएंगे गेस्ट विथ 2 माइनस फ्रेश करेंगे और 2 डालेंगे, गेस्ट विथ हो गया, ठीक है। अभी इसको डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट कर देंगे और इसको 0.38 ये बाहर की तरफ जाएंगे, 0.38 बाहर की तरफ हम लोग निकालेंगे इसको, ठीक है। ये पॉइंट से 0.38 सेट ओरिजिन कर लेंगे, 0.38 हुआ, ठीक है। अभी इसको जो है राउंड कर लेंगे, राउंड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको राउंड करेंगे, ठीक है, ये राउंड कर लिया। अब ये वाले पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट, इसको 0.75 ये हमारा आगे की तरफ जाएगा, 0.75 जो राउंड होगा उसके लिए, ये 0.75, ठीक है। ये हो गया, इसको ओपन करेंगे, सिमेट्री डालेंगे, सिमेट्री वापस लेंगे इसको, इसे इस पर क्लिक करेंगे। ये अभी शो करेगा, ये अभी शो किया और ये वाला जो है इसको राउंड करेंगे, ये जो निकला हुआ है इसको राउंड करेंगे, ठीक है। इसको राउंड कर लेंगे, बेल्ट बैठेगा हमारा यहाँ पे,
कमर का ये हो गया, राउंड हो गया, ठीक है, ये हमारा वेस्ट हो गया, बैक पार्ट्स हो गया। बैक पार्ट्स हो गए, अभी इसको कॉफी करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। अभी जो यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है 3.5 केस्ट भी 3.5 फ्रंट 3.5 ये बैक, बैक का फोर्थ, ठीक है, 3.5 का हाफ कितना होता है 1.75, यानी क्वार्टर इंच के वाला डाउन होएगा, ये वाला क्वार्टर इंच नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये हमारा फ्रंट बन गया और ये जो है 1 इंच पीछे की तरफ जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट राइस हमारा 7 है और ये 8 है, ये फ्रंट हो गया। अभी इसको पलटाएंगे, मूव कर लेंगे इसको। ठीक है, अभी गेस्ट विड्थ और लेंथ डालेंगे। गेस्ट का विड्थ जो है और लेंथ है वो अपना डालेंगे। और ये बैक का जो होगा ये वाला स्ट्रेट होगा। ठीक है, ये क्लिक करके रखेंगे अपने ऑटोमेटिक हट जाएगा ये। ठीक है, ये अभी गेस्ट का लेंथ देखेंगे हम कितना हो रहा है। ब्लॉक लेंथ 4 है और ये फ्रंट का 3.5 है और बैक का 4 है। ठीक है, तो लेंथ 4 लेंगे हम लोग, इसको यहाँ पर बड़ा रखेंगे। चार लेंथ है और लेंथ हो गया और विड्थ 2 है, 2 डालेंगे इसका, इंटरफ्रेस करेंगे। अभी ये वाले पार्ट्स को जो है, ये जो पार्ट्स हैं ये पार्ट्स को यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, और ये वाले पार्ट्स को यहाँ रख देंगे। ठीक है, अभी इसको मैच करेंगे, ये वाला पार्ट को यहाँ रखेंगे और ये वाले पार्ट को यहाँ रख देंगे। अभी इसको मिलाएंगे, शेप टूल्स डालेंगे और ये इसमें मैच कर देंगे। ये देखिए, तो मैच नहीं हुआ, मैच करना है। जैसा शेप है वैसा ही शेप हमको बना देना है। इधर भी हमें जाना पड़ेगा, अभी ये तरफ भी, इसको भी शेप में डालेंगे। शेप जितना अच्छा डालेंगे ना दोस्तों, उतना आपका पैटर्न फिट बैठेगा। ये शेप डाल दिया। ठीक है, अभी इसमें शेप डालेंगे, यहाँ पे ये भी शेप डालेंगे, यहाँ भी शेप डालेंगे, तीनों जगह शेप डालेंगे अभी हम लोग।
इसको थोड़ा नीचे आएगा, ये भी थोड़ा नीचे जाएगा, राउंड जाएगा जो आगे की तरफ होता है, ये राउंड होगा और थोड़ा सा राउंड होगा, ठीक है। और ये वाला राउंड होगा, ठीक है। और इसको ओपन कर लेंगे, ये हमारा हो गया। अभी इसको मैच कर लेंगे हम लोग, ये गेस्ट का विड्थ हो गया, गेस्ट लेंथ हो गया, जो हम लोग जुटा जुटेगा, ठीक है। अभी इसको भी हाफ कर लेंगे, ये भी हाफ कर लेंगे, ठीक है। इसको एक बार पलटा को देख लेते हैं मैच करके, ठीक है। ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये जो है हमारा जो जो मूव करने का ऑप्शन है ना, ये इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को यहाँ पे रख देंगे, लाके ये वाली पॉइंट को अभी इसको मूव करेंगे। ये वाला शेप हमको दिखना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और ये जो शेप है हमारा थोड़ा दूसरा किस्म का दिख रहा है ये वाला, तो इसको भी सही करेंगे। अभी ये जो शेप है थोड़ा सा बाहर निकलेगा, ये शेप फ्रंट बैक का जो है ना मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो वो शेप बैठेगा नहीं, ठीक है। ये दोनों अभी शेप बैठ गया, अभी हम लोग इसको वापस वैसे का वैसे डिग्री में कर देंगे, ठीक है। अभी जो हमारा 90 डिग्री था 180 डिग्री कर देंगे, ठीक है। ये ओपन कर लिया, ठीक है। ये भी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये जो बैक का शेप है थोड़ा फ्रंट का, ये थोड़ा गड्ढा लग रहा है, इसको और भी निकाल लेंगे थोड़ा सा, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये गेस्ट हो गया, ये हमारा ये रूस का जो चट्टी होता है वो बन के रेडी हो गया, ठीक है दोस्तों। यही होता है हम लोग का एंटी का पैटर्न होता है, इसी तरह बनाते हैं। ये अलग अलग शेप का, ये जो है अलग अलग शेप का, हमारा ये गड्ढा थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हमने थोड़ा गड्ढा ज़्यादा दिया है, ये हमारा गड्ढा ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है इसके लिए हमने गहराई ज़्यादा दी है। किसी किसी में जो है ये वाला शेप ये आपको ऊपर से आएगा, ऊपर की तरफ से आएगा और ये थोड़ा ऊपर आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, हमारा शेप ऐसा ही है इसलिए हमने ऐसा बनाया है। आपके जिस प्रकार से पिक्चर में शेप होगा उस प्रकार से बनाएंगे, बाकी बनाने का तरीका सेम है। फ्रंट राइस जो है ये वाला होता है, बैक राइस ये होता है, साइड सीम ये होता है, ठीक है। गेस्ट का विड्थ ये होता है फ्रंट का, और ये बैक का गेस्ट का विड्थ ये होता है, लेंथ जो है ये वाला हो गया, ठीक है। ये हमारा जो फ्रंट जितना हम लोगों ने मैचिंग किया उतना मिला दिया, और बैक का जितना होता है ये मिला दिया, तो ये गेस्ट का विड्थ हो गया। अब ये जो पे सिलाई होगा और यही मुड़ के ये बैक में जाएगा, और ये साइड से सिलाई यहाँ होगा, ये दोनों मीच होगा, यहाँ सिलाई होगा और बेल्ट लगेगा, ठीक है। बेल्ट जो है इलास्टिक वाला जो लगता है वो लगेगा, इलास्टिक कट करके, इलास्टिक जितना होगा चौड़ाई का उस हिसाब से इसमें लगेगा। ये हमारा लड़के का जो है चड्डी बनियान ये सब ऐसे ही बनता है, सारे बनने का तरीका एक ही होता है, आपने मेरी बनाए या इस तरह बनाए, सही तरीका एक ही होता है बनाने का, ठीक है।
फिर आगे हम लोग देखेंगे इसका ग्रेडिंग, फिर हम लोग ग्रेडिंग देखेंगे इसका, फिर ग्रेडिंग करेंगे अगले साइज में। इसका साइज डाल देते हैं, एम साइज हमने बनाया तो एम साइज डाल देंगे इसमें। आपका शेप जितना अच्छा रहेगा उतना पैटर्न खूबसूरत देखने में भी अच्छा लगेगा और फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। जितना भी आपका रहेगा उस अनुसार से आप डालेंगे। ये हमारा बेस पैटर्न एम है तो एम पे क्लिक कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है। ये बाकी आज हमारा इतना ही तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रेडिंग देखेंगे इसका, ग्रेडिंग कैसे करते हैं, मैच कैसे करते हैं, मिलाते कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार से देखेंगे ग्रेडिंग जो होता है, इसका ग्रेडिंग कैसे कैसे होता है। जैसे ग्रेडिंग जो होएगा तो हीप का जो ये सब दिया है ये सब डबल डबल हो जाएगा, उस इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, उसी प्रकार से हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे ग्रेडिंग, ठीक है। ये मेजरमेंट चार्ट है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।